इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएसएबी राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जो वैकेंसी निकाली है उसके बारे में। वैकेंसी के लिए जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है और 10 अक्टूबर 2019 को इसका एक परमिशन लेटर डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है कि जिसके अंतर्गत हमें राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ऑल अराउंड 1571 वैकेंसी के लिए प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया है। उसमें जेई इलेक्ट्रिकल के लिए 842 पोस्ट अनाउंस की गई है और जेई ए इलेक्ट्रिकल के लिए 38 पोस्ट अनाउंस की गई है। ये पोस्ट हमारे लिए राजस्थान गवर्नमेंट की जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट है और इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, वो हम यहाँ पर आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें इस जॉब के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए ज़रा प्लीज़, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। पहला टॉपिक रहेगा हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। ये अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो किसके अकॉर्डिंग होगा ये हमें एजम्पशन करना होगा, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए आईबीपीएस एग्ज़ाम अगर कराएगा तो वो 1.5 महीने के अंदर इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करा देगा और जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद, इसलिए 1.5 महीने के लिए हमें सफिशेंट टाइम नहीं मिल पाएगा प्रिपरेशन का। इसलिए हमें सजग रहना पड़ेगा, अवर रहना पड़ेगा ताकि हम पहले से इसकी प्रिपरेशन कर सकें, और अगर पहले से प्रिपरेशन कर सकते हो तो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में सक्सेस पा सकते हो। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रह सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न दो हम केस डिस्कस करेंगे। एक तो केस डिस्कस करेंगे 2013 के पैटर्न का। ठीक है, 2013 में जब आरएसबी की वैकेंसी आई थी तब पैटर्न कैसा था, और एक हम डिस्कस करेंगे 2018 में। इस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट है, उस टाइम हमारे पास कांग्रेस गवर्नमेंट थी 2013 में, और इस टाइम हमारे पास बीजेपी गवर्नमेंट। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। 2013 में हमारे पास 100 क्वेश्चंस जो थे वो टेक्निकल थे, टेक्निकल पार्ट से आए थे, और 20 क्वेश्चंस जो थे वो जीके के पार्ट से थे, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन थे, जिसमें हमारे पास इंडिया प्लस राजस्थान जीके का पोर्शन था। करेक्ट, और उसमें करंट अफेयर्स भी जोड़ सकते हो। इसके 20 क्वेश्चंस थे हमारे पास, लेकिन 2018 में जो एग्ज़ाम पैटर्न आया उसमें हमारे पास 60% टेक्निकल था एंड 40% नॉन टेक्निकल था। ठीक है, नॉन टेक्निकल में क्या क्या थे? नॉन टेक्निकल में हमारे पास रीजनिंग, मैथ्स 12th लेवल, प्लस राजस्थान एंड इंडिया जीके, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। यहाँ पर हमारे पास जो टेक्निकल का जो पोर्शन था वो तो सेम था, उसमें जो सब्जेक्ट आएंगे सेम आएंगे, लेकिन नॉन टेक्निकल का पोर्शन बढ़ा दिया इन्होंने, रीजनिंग भी ऐड कर दिया, मैथ्स भी ऐड कर दिया, प्लस जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये चार एडिशनल ऐड कर दिए गए। क्योंकि इस टाइम जो एजेंसी कंडक्ट करवा रही थी एग्ज़ाम वो आईबीपीएस करवा रही थी,
और IBPS की एक खासियत ये है कि ये जब भी नोटिफिकेशन जारी होता है उसके एक डेढ़ महीने के अंदर एग्ज़ाम करवा देती है और एक महीने के अंदर डेढ़ महीने के अंदर रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देती है। बहुत काफ़ी फास्ट इसका प्रोसेस होता है, तो इस कारण हमें सफिशेंट टाइम नहीं मिल पाता है प्रिपरेशन का। ठीक है, एक तो सब्जेक्ट भी बढ़ जाएंगे अगर IBPS कराएगी तो, क्योंकि टेक्निकल तो सेम है ही दोनों में, और प्लस नॉन टेक्निकल का पोर्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वहाँ 40% नॉन टेक्निकल आ जाएगा। तो इसमें से कोई एक पैटर्न रह सकता है हमारे पास, अभी जो 2020 में हमारे पास RACV की जो वैकेंसी निकलेगी, नोटिफिकेशन निकलेगा, इन दोनों में से कोई एक रह सकता है। लेकिन हमें वेल अवेयर होके सबसे पहले तो टेक्निकल कवर कर ही देना चाहिए, ताकि ये पोर्शन हम बाद में भी अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन कवर कर सके। अगर लोगों से पहले अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो टेक्निकल इलेक्ट्रिकल में हमारे पास डिस्कस करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट रह सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सर्किट थ्योरी या नेटवर्क एनालिसिस, सेकंड मेजरमेंट, थर्ड इलेक्ट्रिकल मशीन, फोर्थ पावर सिस्टम, फिफ्थ कंट्रोल सिस्टम, सिक्स्थ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेवन्थ EDC, एनालॉग को अलग भी लिख सकते हो, इसके साथ भी लिख सकते हो EDC एंड एनालॉग, एट्थ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नाइन्थ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, टेंथ माइक्रो प्रोसेसर एंड EMFT का थोड़ा बहुत पोर्शन हो सकता है, ये रहेगा। तो हम इसको 10 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे तो अगर आप पावर सिस्टम में देखो तो बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, प्रोटेक्शन, ऐसे हमारे पास 4-5 पोर्शन कर सकते हैं, पावर सिस्टम में भी कर सकते हैं, उसी तरह EDC एनालॉग में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेनली हम 10 कंसिडर करते हैं मेन टॉपिक्स। तो उसमें हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, हमें ये देखना पड़ेगा कि एनी हाउ हमें सबसे पहले अवेयर होके टेक्निकल को प्रिपेयर करना है सबसे पहले, उसके बाद हम इंडिया प्लस राजस्थान का GK प्रिपेयर कर ले, जो दोनों में कॉमन है। उसके बाद अगर नोटिफिकेशन में हमें पता चलता है कि IBPS कंडक्ट करवाएगी तो उसके लिए हमें सफिशेंट टाइम मिल जाएगा, रीजनिंग हिंदी इंग्लिश भी हम इजीली कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपके पास टेक्निकल कवर नहीं होगा और नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होगा कि उस टाइम ये आप नहीं कर सकते कि एक डेढ़ महीने में टेक्निकल भी कर दें, नॉन टेक्निकल भी कर दें और कोचिंग ज्वाइन कर लें। उसमें आपको सफिशेंट टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो 10-10 घंटे की क्लास हो पाएगी, वो भी बहुत उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होगा। ठीक है, तो पहले से सजग हो गए आप, टेक्निकल को तो प्रिपेयर कर ही लीजिए। ठीक है, अब इसको कैसे प्रिपेयर करना है ये हम डिस्कस करेंगे। इसको प्रिपेयर करने के लिए सीक्वेंस यही रखिएगा आप प्लीज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम किसी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं सक्सेस आने के लिए, हमें पता नहीं होता कि ऐसे रैंडमली हम सब्जेक्ट उठा लेते हैं उसको कवर करते जाते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको सबसे पहले आप सर्किट थ्योरी या मेजरमेंट दोनों में से कोई एक करिए। हम मेजरमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो और सर्किट थ्योरी भी स्टार्ट कर सकते हो, तो दोनों बेसिक सब्जेक्ट है हमारे पास। सर्किट थ्योरी स्टार्ट कर लिया, उसके बाद मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, बिकॉज RACV में जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे ना, जो ये हायर सब्जेक्ट है इन्हीं से बनेंगे। ठीक है, सर्किट थ्योरी के बाद मेजरमेंट है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन है, पावर सिस्टम में 3 पार्ट है, जनरेशन, प्रोटेक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम करना पड़ेगा, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, EDC एनालॉग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, माइक्रो प्रोसेसर एंड EMFT। देयर इज वेरी स्मॉल पोर्शन, अगर कोई एक क्वेश्चन आएगा तो इस 10th एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, 10th टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करेंगे तो सबसे हाईएस्ट
हमारे पास जो पोटेंशियल है या फिर हाई वेटेज जो रह सकता है वो सर्किट थ्योरी का, उसके बाद मेजरमेंट का, इस तरह से रहेगा। तो ये सर्किट थ्योरी मेजरमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक बेसिक इलेक्ट्रिकल के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं तो वो सर्किट थ्योरी या मेजरमेंट से होते हैं, ठीक है। और इसी सिक्वेंस में आपको प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें एग्जाम पैटर्न पता चल गया कि इन दोनों में से कोई एक रहेगा, टेक्निकल सब्जेक्ट्स ये रहेंगे और नॉन टेक्निकल दोनों का अलग अलग हो सकता है पैटर्न के हिसाब से। अब ये देखना है कि हम इस एग्जाम में सक्सेस कैसे पाएं, मतलब आरएसीबी एग्जाम में हाउ टू गेट सक्सेस, हाउ टू गेट सक्सेस इन दिस एग्जाम। इसके लिए हमें स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, स्ट्रेटेजी के लिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए जरा प्लीज, अगर मान लीजिए ये पैटर्न रहता है फर्स्ट वाला 2013 वाला एग्जाम पैटर्न रहता है, तो इसमें जो आएंगे, इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आईएएस प्लस एसएससी जेई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 100% यहां से, क्योंकि यहां पे पेपर का लेवल काफी अच्छा रहता है टेक्निकल में, ठीक है। और अगर मान लीजिए IBPS हमारे लिए एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, सेकंड एग्जाम पैटर्न रहता है, तो हमारे पास जो टेक्निकल है उसमें स्ट्रेटेजी में आपको इजी टेक्निकल पेपर आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, बहुत इजी टेक्निकल पेपर आएगा। आप IAS और SSCJEE के थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख सकते हो, है ना, बहुत इजी आएगा, क्योंकि IBPS टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, वो तो रीजनिंग और मैथ्स के लिए स्ट्रांग है। तो इस अगर IBPS पेपर बनाता है तो आप क्या करिएगा, जितने भी बैंक के प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको ज़रूर एक बार आप सॉल्व करें, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगा। पिछली बार जो है जब हुआ था, IBPS ने करवाया था, तो हमने स्टूडेंट्स को बोला था कि आप रीजनिंग और मैथ्स के जो क्वेश्चंस है वो IBPS के प्रीवियस ईयर से सॉल्व करिए, तो असिस्टेंट इंजीनियर में हमारे कई स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया था सिर्फ इसी वजह से कि आपको बैंक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं अगर IBPS पेपर करवाता है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब स्ट्रेटेजी में हमें सोचना पड़ेगा कि IAS और SSCJEE ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे वो थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा रहेगा, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। अगर फर्स्ट पैटर्न रहता है तो सेकेंड पैटर्न रहता है तो न्यूमेरिकल कम, ठीक। तो स्ट्रेटेजी में हमने बता दिया कि आपको जो टेक्निकल तैयार करने हैं वो इसी सीक्वेंस में ये 10 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, एक तो स्ट्रेटेजी होगी। अब स्ट्रेटेजी में हमारे पास व्हेन, व्हाट का तो हमने बता दिया क्या तैयार करना है, व्हेन मतलब कब तैयार करना है। तो इनको तैयार करने के लिए, जैसे ये 10 टेक्निकल सब्जेक्ट है, मुझे अगर एज ए स्टूडेंट मैं सोचूं तो मुझे एटलीस्ट 3 मंथ्स अगर प्रॉपर अच्छे तरीके से करने हैं, 3 to 4 मंथ्स लगेंगे मेरे पास, 3 मंथ्स ऑन एन एवरेज मान लेता हूँ, 3 मंथ्स प्रिपरेशन के टेक्निकल में लगेंगे, प्लस 1 मंथ आप मान लो नॉन टेक्निकल के लिए, और प्लस 1 मंथ आप मान लीजिए टेस्ट सीरीज के लिए। टेस्ट सीरीज इज मस्ट, कई लोग इसको बहुत लाइट ले लेते हैं, आप 100% देखना, टेस्ट सीरीज अगर देखते हैं, जितने लोग टेस्ट सीरीज देते हैं उनका श्योर सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज से क्या होता है, कॉन्फिडेंस गेन होता है, सबसे जरूरी है कॉन्फिडेंस। अगर आप जितना आपने पढ़ा है और उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और साथ में उसका ट्रायल नहीं ले रहे हो कि कितना मेरे पास कवर हुआ है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, तो ये कॉन्फिडेंस गेन होगा। अब देखो जरा प्लीज़, अब आपको एटलीस्ट इसको कवर करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 4 to 5 मंथ्स चाहिए, तो 5 मंथ्स हो लेके चलिए अगर आपको श्योर सिलेक्शन चाहिए, तो 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ प्लस 1 मंथ 5 मंथ हो जाएंगे। तो आप कोशिश ये करिए कि अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा, दूसरों से ज़्यादा अवेयर रहें और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाइए। अब उसके लिए वाट हो गया, वैन हो गया, हमें क्या करना है ये पता चल गया, वैन हो गया, अब हम इसको कैसे करेंगे ये क्वेश्चन है, हाउ, इस स्ट्रेटेजी को हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए
हाउ टू प्रिपेयर, फोर आरएसीबी एग्जाम, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें टेक्निकली तैयार करना है, क्योंकि दोनों ही पैटर्न हो, चाहे कोई सा भी पैटर्न हो, टेक्निकल का वेटेज ज़्यादा रहेगा। उसके लिए कई तरीके हो सकते हैं, आप ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो, दूसरा तरीका लाइव क्लासेस ले सकते हो, तीसरा तरीका ऑनलाइन पेड कोर्सेस ले सकते हो, ठीक है। ये तीन तरीके हैं आपके पास, तीनों में डिस्कस करेंगे कौन सा सही रहेगा। वैसे अगर वैसे ऑफलाइन कोचिंग भी अच्छा है, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग भी तभी सही रहेगा जब आपके पास सफिशिएंट कितना टाइम हो, 5 मंथ का टाइम हो। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में जो हमारे पास फीस स्ट्रक्चर रहता है वो लगभग 20,000 15,000 से 20,000 के बीच का रहेगा, है ना, लगभग 20,000 मान लीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल पोर्शन भी है और नॉन टेक्निकल पोर्शन भी है, तो 20,000 मान लेते हैं। लाइव क्लासेस में यहाँ पे लाइव क्लासेस पहले भी, तो ऑफलाइन जो कोचिंग है इसमें जो प्रॉब्लम ये रहता है कि कई लोग जो है वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं 20,000 रुपये इसके प्रिपरेशन के लिए, या फिर कई लोग जो होते हैं जैसे मान लीजिए कि उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, जो छोटी सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, या फिर वो जो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, मूव नहीं कर पाएंगे अपने पेरेंट रीजन के छोड़ के, मेट्रो सिटीज़ में नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए लाइव क्लासेस भी ठीक है। लेकिन लाइव क्लासेस में एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो सीरियस स्टूडेंट होता है वो लाइव क्लासेस पे कम रहेगा। क्यों? क्योंकि लाइव क्लासेस में दिक्कत ये होती है कि लाइव क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, दे आर नॉट रियली फोकस्ड टू क्लियर द कंसेप्ट। अब आपके बीच में जैसे डाउट्स आते रहते हैं, तो वो डाउट्स आपको टाइम बहुत कंज्यूम कराते हैं। अगर आपके पास इतना 5 मंथ का सीरियस स्टडी चाहिए, अगर आप लाइव क्लासेस से करते हो तो रियलिटी में 8-10 महीने चाहिए। अगर आप ऐसा, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो गो फॉर द लाइव क्लासेस, अदरवाइज नॉट। और नेक्स्ट है हमारे पास ऑनलाइन पेड कोर्सेज। ऑनलाइन पेड कोर्सेज ये इसका जो कॉस्टिंग होता है ये काफ़ी सही होता है, 5,000 to 7,000 इतने में आप एफर्ट कर सकते हो इजीली। और बहुत ज़्यादा इसका अभी चलन चल रहा है ऑनलाइन पेड कोर्सेज का, तो ऑनलाइन पेड कोर्सेज में जो कई लोग जो है मेट्रो सिटीज़ में नहीं है, छोटी सिटीज़ में है, या फिर जो लोग इतना प्राइस को एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पुअर फैमिली से, मीडियम फैमिली से हैं, तो उनके लिए काफ़ी सही रहता है। तो ऑनलाइन पेड कोर्सेज के लिए आप इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट नाम से एक ऐप है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर दीजिएगा, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड करोगे, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको वो मोबाइल नंबर मांगेगा, ओटीपी आएगा, और फिर आपका ऑटोमेटिक इसमें लॉगिन हो जाएगा। वहाँ पर आप स्टोर में जाके वेरियस कोर्सेज देख सकते हो, तो जो हमारे पास आरएसीबी का पोर्शन है उसको परचेज कर सकते हो, वो आपको कम कॉस्टिंग में पड़ जाएगा और सही भी रहेगा। अब उसमें जो ऑनलाइन पेड कोर्सेज होगा उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट जो रहेंगे वो इसी सीक्वेंस में कवर किए जाएंगे, सबसे पहले मेजरमेंट या सर्किट थ्योरी, उसके बाद सर्किट थ्योरी, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इसी सीक्वेंस में कवर किए जाएंगे, 1 by 1 अपलोड किए जाएंगे। और उसमें कन्वर्सेशन के लिए भी या डाउट सॉल्विंग के लिए भी पोर्शन होता है, जिसमें आप पर्सनली चैट करके उस डाउट को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास काफ़ी सही रहता है इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट का ये जो ऐप है। उसके बाद आपके पास ये तो हो गया हाउ टू प्रिपेयर। अब देखो जरा स्ट्रेटेजी में हमने देखा कि कैसे क्या प्रिपेयर करना है, कब प्रिपेयर करना है, हाउ टू प्रिपेयर, ये हो गया। अब सबसे पहले अब जो हमारी प्रिपरेशन हो गई, मान लो ये टेक्निकल सारे कवर हो गए, तो हाउ टू चेक दैट कि वी आर एट गुड लेवल और नॉट, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बोला था कि टेस्ट सीरीज में क्या होता है, कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस गेन अगर हो जाता है तो आप प्रॉपरली क्या कर पाओगे, श्योर सक्सेस पा सकते हो इसमें, है ना। तो एक बात देखिए जरा प्लीज़ कि हम इसको, इसके लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो आपको स्टोर में
अब ऑनलाइन वीडियोस तो मिलेंगे, साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बहुत सारे टेस्ट पेपर मिलेंगे। इन टेस्ट सीरीज के पेपर को वन बाय वन देते जाइएगा, जैसे सूटेबल हो। जैसे मान लीजिए सर्किट थ्योरी प्रिपेयर हो जाता है तो सर्किट थ्योरी के पेपर देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपका लेवल कितना बड़ा। उसके बाद मेजरमेंट हो जाता है तो मेजरमेंट का कितना लेवल बड़ा वो भी, और प्लस आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा कंप्लीट। इसका कोई एडिशनल चार्जेज नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का भी कोई एडिशनल चार्जेज नहीं है, फ्री स्टडी मटेरियल का भी कोई एडिशनल चार्जेज नहीं है। ओनली ऑनलाइन वीडियोस का चार्जेज है, वो 5 to 7,000 के बीच में रहेगा फ्री स्टडी मटेरियल। इसमें हम कोशिश करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे पास क्वेश्चंस है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो आरएसबी के लिए बहुत ज़रूरी है, जेई के लिए ज़रूरी है, वो सारी इसमें अपलोड करेंगे हम। तो वन बाय वन, सब्जेक्ट टू वाइज सब्जेक्ट आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास इसको प्रिपेयर करने का एक हमारे पास कंप्लीट मैप आ गया। अब आपको सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट। अब आज आपको अभी डिसाइड कर लेना है, एक पेपर पे अपना टाइम डिसाइड कर लीजिए, टाइम मैनेजमेंट, कि 5 मंथ में आई हैव टू प्रिपेयर दिस एग्ज़ाम एंड आई हैव टू गेट सक्सेस इन फॉर दिस एग्ज़ाम। तो इसके लिए आपको 5 महीने का एक प्लान बना दीजिए कि 3 महीने तक मुझे टेक्निकल करना है, 1 महीने तक नॉन टेक्निकल, फिर 1 महीने में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के जो बचे हुए पेपर है अपने आप को सेल्फ चेक करते जाइएगा, सेल्फ रियलाइजेशन करते जाइएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा हमारे पास। तो कुल मिला के कोशिश करिएगा कि अच्छे से प्रिपेयर कर सको, और लास्ट फाइनली ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम।